बाबा लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है उसमें लक्ष्मी जो है वो छोटी मम्मी मम्मी है ना, लक्ष्मी जो छोटी मम्मी वो विष्णु महारानी लिखा हुआ है नीचे में, विष्णु महारानी, विष्णु महारानी, विष्णु महारानी अकेली काम करती है संपन्न होने के बाद, या चार आत्माओं का संस्कार मिलकर के एक हो जाता है, है? चार आत्माओं का संस्कार मिलकर एक हो जाता है, उसमें मम्मा बाबा भी आ जाते हैं, ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं और राम सीता वाली आत्माएं भी आ जाती है और जगदम्बा भी आ जाती है। चार भुजाएं हैं और चार भुजाओं को एक चलाने वाला, पांचों आत्माओं के संस्कार मिलकर के जब एक होते हैं तब सारे विश्व की बादशाही स्थापन होती है। तो सारे विश्व की बादशाही में सारा विश्व तो हो गया एक परिवार जैसा हो गया, उसमें खास करके जो ब्राह्मणों की दुनिया वाले हैं संपन्न ब्राह्मण वो कुटुंब के हो गए और बाकी सारी बाहरी दुनिया हो गई। तो कुछ परिवारों में भी बाप भी दो होते हैं और माताएं भी दो होती हैं। एक बड़ा बाप होते हैं उसे कहते हैं बाबा और छोटा बाप को बाप कहा जाता है। माताएं भी दो होती हैं, छोटी माँ और बड़ी माँ सास जिसे कहा जाता है। बाहर कौन देखती है और अंदर कौन देखती है? दो माताएं बेहद में भी हुई, दो बाप बेहद में भी हुए, तो दोनों माताओं में बाहर का कारोबार कौन देखेगा, बाहर वालों से कौन मिलेगा जुलेगा और अंदर वालों से कौन देखेगा लिपटेगा? बड़ी माँ बाहर वालों को देखेगी, वो है जगदम्बा, क्या सारे जगत की अम्बा। उस जगत में असुर भी है, असुर तो अंदर नहीं आ जावेंगे, अंदर के कुटुंब में असुर होंगे क्या, या दूर दराज वाले होंगे? वो तो दूर दराज वाले हुए और कुटुंब में हुई छोटी माँ, माने स्वर्ग की देवी है लक्ष्मी और सारे जगत की देवी है जगदम्बा। इस तरह राजकाज चलता है। बाबा देवी भान से कैसे जल्दी थी? देवभान से कैसे जल्दी छूटे? आत्माभिमान की प्रैक्टिस कर रहे तो देवभान से छूटे, तो बहुत पुरानी बात हो गई। प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट बनेंगे। 63 जन्म का देवभान है, 63 जन्म से समझते आए कि हम देह हैं, ये देह के संबंधी है, देह के संबंधियों का पक्षपात करना है, इनके लिए मर मिटते हैं, आत्मा को तो जानते ही नहीं। और अभी अभी किसको जान लिया? अभी आत्मा को जान लिया। और आत्मा आत्मिक स्थिति में टिकने वाले जो बाप के बच्चे हैं वो अब समझ गए कि हमारा परिवार ये है। क्या विनाश जब होगा तो कितने बचेंगे? आत्मिक स्थिति में रहने वाले ही बचेंगे या देह देह के संबंधों के लिए मरते हैं, देह के लिए मरते हैं, देह के पदार्थों के लिए मरते हैं, वो काम आवेंगे? तो काम आने वाले नहीं है। अभी पक्का कर लेना चाहिए कि हम जितनी अभी प्रैक्टिस कर लेंगे कि मैं आत्मा स्टार हूँ, सवेरे उठते उठते दूसरा कोई संकल्प का फाउंडेशन न पड़े, सिर्फ क्या याद आए मैं आत्मा स्टार, उसी स्थिति में टिक जाएं 10 मिनट,
जो भी अमृत वेला है उसमें और ज्यादा प्रैक्टिस करें, कोशिश करें कि देह देह के संबंधियों की याद ना आने पाए, आत्मा की याद आए, आत्मा के बाप की याद आए, बाप के कर्म याद आए, बाप की भाषा याद आए, बाप की शिक्षाएं याद आए। ऐसे करते करते प्रैक्टिस करते करते देहबान बाबा हमें भक्ति संस्कारों को छोड़ना है, भक्ति मार्ग के संस्कारों को छोड़ना है, भक्ति मार्ग के संस्कारों को छोड़ना है, साक्षात्कारों को छोड़ना है, संस्कारों को और एक सूक्ष्म संस्कार बाबा ने बताया, कुछ कहना और कुछ अलग करना, कौन से छोड़ना है, कौन से दूसरे संस्कार है, सूक्ष्म संस्कार है जो भक्ति मार्ग के संस्कार है? भक्ति मार्ग के संस्कार ढेर सारे हैं, बहुत लंबे टाइम से कोई ज्ञान में चल रहे हैं, स्वतंत्र भी हैं, घर वालों का बंधन भी नहीं है, फिर भी चूड़ियां पहन रहे हैं, माथे में बिंदी लगा रहे हैं, कान में कुंडल पहन रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, चोटी रख रहे हैं। शरीर को सजाना की बात नहीं, सूक्ष्म संस्कार, सूक्ष्म संस्कार में भी बहुत से होते हैं ऐसे, जो अंदर अंदर आदतें पड़ी हुई है वो आदतें छूटती नहीं है, जबकि ज्ञान मार्ग के अनुसार उन आदतों को छोड़ देना चाहिए। ज्ञान के संस्कार जो भी बाबा के महावाक्य हैं, उन वाक्यों को जीवन में जो भी संस्कार आते हैं उन संस्कारों में टैली करना चाहिए कि ये संस्कार हमको दुख देने वाले कैसे हैं और सुख देने वाले कैसे बन जाते हैं। ज्ञान के अनुसार चलेंगे तो ज्ञान में तो हर बात का कारण होता है, कार्य होता है, विश्लेषण होता है, भक्ति मार्ग में तो पूरी अंधश्रद्धा है, पूजा करेंगे जिसकी पूजा करेंगे जानते ही नहीं हम किसकी पूजा कर रहे हैं, उनकी जीवन कहानी क्या है, पूजा कर रहे हैं, ये अंदरूनी भक्ति मार्ग का संस्कार हो गया ना। ज्ञान मार्ग में तो सारी बात बताई जाती है, समझी जाती है, समझ करके फिर हम मानते हैं, ऐसे कोई बात को नहीं मानते। अमृत वेले उठ के नहाना जरूरी है, है? अमृत वेले उठ के हाँ? नहाना जरूरी है योग से? अमृत वेले उठते हैं थोड़ा नहाने के बाद चुस्ती तो आती है ना, अंदरूनी कचड़े की सफाई कर देंगे तो मन हल्का हो जाएगा, अंदर बाहर से स्वच्छ नहीं होंगे तो भारीपन बना रहेगा, वो भारीपन नींद भी ला सकता है। इसी बात को तो डायरेक्शन दिया है, अगर अपवित्र होते हैं, लेट्रिन वगैरह जाते हैं तो स्नान करना जरूरी है। ये संगम पर विनाश द्वापर में होता, त्रेता और संगम के भी त्रेता और द्वापर के संगम पर आधा विनाश होता है, आधा विनाश प्रकृति की मनुष्य आत्मा ही शरीर छोड़ते हैं, त्रेता और शरीर छोड़ती है, यहाँ निश्चय बुद्धि बनते हैं, यहाँ कलयुग के अंत में विनाश होगा, स्थूल विनाश होगा, तो वो तो शरीर छोड़ेंगे, देहबान देह छोड़ेंगे, और यहाँ देहबान को छोड़ेंगे, जो देहबान नहीं छोड़ेंगे वो अनिश्चय बुद्धि में आ जाएंगे। देह अनिश्चय बुद्धि में आने का कारण क्या होगा? देहबान। बाबा ये पाकिस्तान को पवित्र स्थान कहते हैं, पाकिस्तान को पवित्र स्थान कैसे है? नाम रखा है पाकिस्तान, इसका मतलब भारत हो गया नापाक,
उस टाइम जब बाबा पर आए उस टाइम तो सारा हिंदुस्तान इकट्ठा ही वहाँ तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की नहीं। जब आए तब वहाँ पाकिस्तान हो गया था, आने से पहले वहाँ पाकिस्तान नहीं था। भारत में जब ट्रांसफर हुए तो पाकिस्तान मुसलमानों का स्थान हुआ। पाकिस्तान नाम इसलिए पड़ा कि मुसलमानों में तो नियम होता है, कानून होता है कि ज्यादा से ज्यादा चार स्त्रियों से अपवित्र बन सकते हैं, चार शादियां कर सकते हैं। इस नियम को जो तोड़ते हैं उनके लिए कड़े कड़े दंड रखे गए हैं मुसलमानों में। और यहाँ हिंदुस्तान में कितनी शादियां कर लेते हैं? शादी की परिभाषा बाबा ने बताई है, विकार में जाना माना शादी। तो ज्यादा पवित्र कहाँ है? पाकिस्तान वाले ज्यादा पवित्र हुए, हिंदुस्तान वाले उनकी तो शुमार ही नहीं है कितने अपवित्र होते हैं। बड़े बड़े होटल बना के रखे हुए हैं। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले थे इकट्ठे तो बाद में अलग हो गए, तो ये मुसलमान और हिंदुओं मिलकर के क्रिश्चियनों को निकाला। पहले पाकिस्तान बनने से पहले जो भी हिंदू और मुसलमान थे उन्होंने मिलकर के क्रिश्चियंस को बाहर निकाला। ये शूटिंग अपने संगम युग पर कैसे? यहाँ भी क्रिश्चियंस है जो भेद डाल देते हैं हिंदू मुसलमानों का। जब भेद डालते हैं तो आपस में ही लड़ मरते हैं, पांडव तो लड़ते नहीं। जो यवन हैं और जो आर्य समाजी हैं वो आपस में लड़ते हैं। कांग्रेसियों का राज्य होता है, यवन मुसलमान होते हैं। बाबा ये जो संगम युग जी कृष्ण का जो पार्ट है वो 98 से कहीं या 76 से ही मतलब संगम युग जी कृष्ण का पार्ट शुरू होता है। एक होता है ज्ञान गर्भ, जैसे पीपल का पत्ता दिखाया गया है तो गर्भकाल दिखाया गया है, और एक होता है गर्भ से बाहर आना। तो जो चीज बाहर आ जाती है संसार में जो बच्चा पैदा हो गया वो तो सब देखेंगे, कोई देखे कोई न देखे सब समझेंगे। तो ऐसे ही जो शूटिंग पीरियड है एडवांस पार्टी में जो बताया गया है, मन बुद्धि के आधार पर जो शूटिंग हो रही है संकल्पों की, वो गर्भकाल की बात है। और 2018 में जो प्रत्यक्षता होगी वो सारे संसार में शोहरत हो जाएगी। ये संगम की कृष्ण है जिसके लिए बोला नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। वो अलग बात। 2018 में संपूर्ण प्रत्यक्षता का मतलब ये है संसार में जो भी टेलीविजन है, अखबार है, चैनल्स हैं, रेडियो है, सब में वो बात फैल जाए। संगम में कृष्ण ने जन्म ले लिया है। हाँ, उनके माँ बाप भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। आ गया। बाबा ये बोला है कि 108 आत्माएं राज्य सत्ता और धर्म सत्ता को अपने हाथों में ले लेंगे, तो ये कब लेंगे? कैसे ले? दुनिया वालों से की बात है, ब्राह्मणों की बात? राज्य सत्ता और धर्म सत्ता तो बाहर की दुनिया में भी। 108 में ग्रुप कितने हैं? नौ ग्रुप।
और ग्रह उपग्रह कितने दुनिया में? नौ है। नौ ग्रह उपग्रह। जब दुनिया का विनाश होता है तो नौ ग्रह आपस में टकराते हैं। बृहस्पति ग्रह जो है वो बहुत बड़ा है, तो टकरा टकरा के विनाश किसका होगा और बचत में कौन आ जाएगा? सुरक्षा किसकी बनी रहेगी? बृहस्पति की सुरक्षा बनी रहती है। बृहस्पति को देवताओं का गुरु बताते हैं, तो देवताओं की दुनिया स्थापन हो जाती है और बाकी चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धि वंशी, कृष्ण वंशी, ये सब खलास हो जाते हैं। सौ आठ राजाइयां तो होंगी, लेकिन मुख्य राजाइयां कितनी होंगी? नौ। बाकी जो है वो सब उनके मातहत होंगे, सपोर्ट करने वाले होंगे। ग्यारह जो बच्चे हरे। हाँ जी बाबा, एक मुरली के अंदर बोला है, मतलब एक मुरली में ये बात बोली है कि बाबा बाबा बोलना जो भक्ति मार्ग में है, और एक में बोला है कि बाबा बाबा हजार बार बोलना। तो बात है, अंदर की आवाज उसके पास पहुंचती है या बाहर की आवाज उसके पास पहुंचती है? दिल की आवाज ही तो दिलावर के पास पहुंचती है। तो बाबा ने तो बताया, समझने वाले अपने तरीके से समझते हैं। सेवा करते हुए बोला बाबा, सेवा करते हुए बार बार बोलना चाहिए भी, बाबा ने ये बताया। सेवा तो मनसा से भी होती है और सेवा वाचा से भी होती है। ज्यादा पावरफुल सेवा कौन सी है? हाँ जी, जगदम्बा को बताया गया मंदोदरी, बताया गया और मंदोदरी के और ज्ञान ज्ञानेश्वर पांच सिर और ज्ञान ज्ञानेश्वर को एक ही और मंदोदरी जिसकी बुद्धि काम धीरे धीरे काम करती है, और दूसरा ज्ञानेश्वरी जिसको ज्ञान में कोई क्रॉस नहीं कर सकता। दो बातें, ज्ञान में क्रॉस करना और न करना, जैसे रावण बहुत प्रकांड विद्वान था, ज्ञानी था, लेकिन अंदर से प्रैक्टिकल जीवन में खोखला था। तो ऐसे ही है, ज्ञानियों का ईश्वर होता है, ज्ञानियों को ज्ञान देने वाला, कंट्रोल करने वाला ईश्वर होता है या ईश्वरी होती है? ईश्वर होता है। लेकिन कुछ समय ऐसा भी आता है जहां संसार में आवाज फैलाने के लिए, चारों तरफ दुनिया में गजगोर करने के लिए शिव शक्तियों को आगे करता है, खुद आगे नहीं होता। खुद आगे हो तो दुनिया पहचानेगी भी नहीं। इसीलिए बाबा ये आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम पर, यहाँ सिर्फ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम है, आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम है। बाबा ये पूरे 5000 के ड्रामा में सतयुग और त्रेता के संगम पर विनाश होता है, चार बार विनाश होता है कि दो बार विनाश होता है? एक अर्ध विनाश, एक संपूर्ण विनाश। अर्ध विनाश होता है त्रेता का अंत और द्वापर का आदि। बाबा एक हम लोग पहले जानते थे, लोग जैसे एक दिन जैसे कैसेट चला था तो बता रहे थे जिसमें बाबा ने बोला था सतयुग और त्रेता के संगम पर ही विनाश होता है, चार बार विनाश बताए उसने, बोला चार बार विनाश। तो वो शूटिंग की पीरियड की बात है, शूटिंग पीरियड में इस समय चार युगों की शूटिंग होती है। ठीक। तो चार युगों की शूटिंग में चार वर्ण है, सतयुग की देवताएं, देवता वर्ण की शूटिंग, त्रेता की क्षत्रिय है, क्षत्रिय वर्ण की शूटिंग, द्वापर में द्वैतवादी है, ऋषियस है,
वैश्यों की शूटिंग और कलयुग में शूट रहे हैं। तो शूटरों के हिसाब से शूटिंग होती है, धरती तो नीचे गिरती जाती है ना। तो ये शूटिंग का हिसाब जो है उस हिसाब से बताया कि शास्त्रों में अवतार दिखाए हुए हैं। परशुराम को चार अवतार दिखा, चार कला वाला अवतार दिखा दिया है। राम को 14 कला अवतार दिखाई दिया है। कृष्ण को 16 कला अवतार दिखाई दिया है। उस आधार पर बाबा ने बताया कि शास्त्रों में लिख दिया है संभवामि युगे युगे, हर युग में आता हूँ, माने चार युगों में चार बार आता हूँ, चार अवतार होने चाहिए। माने हर युग की शूटिंग में प्रत्यक्षता होती है। बाबा जो संकल्पों से शूटिंग हुई पहले, फिर वाचा से हुई, अब जो प्रैक्टिकल शूटिंग है वो उत्तरती कला से चतुर्थी कला की तरफ जानी है कि चतुर्थी से उत्तरती कला की? दुनिया की हर चीज पहले सत्व प्रधान और बाद में तमो प्रधान होती है। तमो प्रधान की अति होती है तो अंत हो जाता है। शुरुआत यज्ञ की हुई सुनने सुनाने से। शुरुआत में क्या हुआ? सिर्फ क्या हुआ? सुनना हुआ और सुनाना हुआ। सुनने सुनाने के बाद फिर होता है समझना और समझाना। जो समझना और समझाना है वो ही संकल्पों की शूटिंग। फिर होता है प्रैक्टिकल। शिव बाप का जो मन है वो तो अमन होता है। जब वो ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं तो मन के रूप में प्रवेश ही मन में किया, मन माने ब्रह्मा। तो जब टीचर के रूप में प्रवेश करते हैं तो बुद्धि के रूप में, ठीक है, वो कैसे दोनों में कैसे, वो कैसे अंतर मतलब कैसे है? बुद्धि चलेगी तो समझ आएगी कि नहीं आएगी? मन चलेगा तो मन को कंट्रोल करेगा। ब्रह्मा बाबा के द्वारा मन कंट्रोल नहीं। मन कहते हैं दिल को और बुद्धि कहते हैं तीसरे नेत्र को। ज्यादा पावरफुल क्या है? बुद्धि। बुद्धि पावरफुल है। दोनों में स्थान किसका कहाँ है? दिल का स्थान कहाँ है? नीचे। और बुद्धि का स्थान कहाँ है? ऐसे ही ब्रह्मा का स्थान कहाँ है और तीसरे नेत्रधारी शंकर का स्थान कहाँ है? लेकिन होना चाहिए दोनों का मेल, दिल का और दिमाग का। दिल का और दिमाग का जब मेल हो जाता है, संस्कारों का मेल हो जाता है तो संपन्नता हो जाती है। बाबा दादी का ब्रेन ट्यूमर हो क्या? और जगदीश भाई का क्या हुआ? तो कहते योगी को होता ही नहीं इस तरह का। और बाबा इतनी बड़ाई करता है वतन में जाकर, ये दादी इतनी अच्छी थी, इतना कुछ था। अब वो बेसिक नॉलेज है और बेसिक नॉलेज के बाबा है तो अपने कुल की कोई घटाई करता है क्या? और सारी दादियों ने जो है ना झुक न उसके पांच तत्व की पूजा करी, परिक्रमा करी, हाथ जोड़े ऐसे उस तत्व रोने लगी और रोई भी सारी दादी। और खुद सबसे ऐसे कहते घूमया करते कि पांच तत्वों की जो है ना पूजा नहीं करनी, इसकी तरफ देखना भी नहीं है। वो ही क्या करता है हमें वो नहीं देखना, हम क्या करते हैं और क्या करके दिखाया वो पहले देख लो। एडवांस पार्टी ने कोई तीर मार के दिखाए? संदेश वर्मा बाप का भी जिक्र आया गया। वर्मा बाप अब दादी भी होगा तुम्हारा। ब्रह्मा जो है दादा लेखराज ब्रह्मा, उसको बाप का टाइटल नहीं मिलता है क्या? प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहा गया? ब्रह्मा कुमारी जो उसको ही बाप मानते ब्रह्मा बाप। तो फिर तो प्रजापिता ब्रह्मा टाइटल तो मिल गया। फिर दादी टाइटल धारी जो होता है वो ओरिजिनल नहीं होता,
बाबा दादी भी वक्त में वाणी चला करेगी, अभी करे ना वक्त में फिर दादी भी आ करेगी ऐसी। क्या होगा क्या नहीं होगा वो अनुमान क्यों लगाना, जो होगा सो ड्रामा देखेंगे। अब तक टीवी टावी पर काफी देखते भी सुनते हैं, जितने ये रामदेव जो है ना, जितना धर्म की नेताओं की जितनी क्रिटिस आजकल कोर्ट भी बैठाने लगी, तो ये भी कोई उच्च देवता कुल की आत्मा उसकी इतना विरोध आभास करना सरकार के साथ इतनी क्रिटिस। देवता धर्म की आत्मा जो है वो कलयुग के अंतिम जन्म तक भी आती रहती है, बड़ा भारी विरोध। जो भी अंतिम जन्म की आत्माएं होंगी वो भी अपना करिश्मा दिखाएंगी, ऐसे ही नहीं प्रसिद्धि हो जाती है, तब तो प्रधान आत्मा प्रसिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकती। इतना विरोध आभास है सरकार का भी, दूसरे डॉक्टरों का भी, मेडिसिन वालों का। जीसस में क्राइस्ट ने प्रवेश किया तो विरोधाभास नहीं हुआ क्या? इसमें कोई शोल प्रवेश होती जो, है? हाँ, जो भी ऊपर से आत्माएं नई आती हैं वो प्रवेश करती हैं कमजोर आत्मा में। और इसमें अपने ज्ञान की बातें भी बताती है, जो अपने एडवांस की नॉलेज है ना वो भी बातें बताती है, पवित्रता के बारे में भी और उसके बारे में भी सारी जो है ना क्लियर बात कर देते हैं। तो देवता धर्म की आत्मा होगी तो देवता धर्म की ही बात करेगी ना, आज की कौरव कांग्रेस गवर्नमेंट का तो विरोध ही करेगी। बाबा जैसे विनाश काल जैसे 9 लाख आत्माएं जैसे चमक मारेंगे तो रियल में तो 4.5 लाख ही आत्माएं हो रही हैं, जिनको अपना सकार में बाढ़ी। चमक जो है वो चमक से क्या समझते हैं? ज्ञान की चमक। ज्ञान की चमक, तो ज्ञान की चमक मारने वाली एक व्यक्ति के अंदर 2 आत्माएं होंगी विशेष या एक ही आत्मा होगी? दो आत्माएं होंगी ना, जैसे एक जन्म लेने वाला, जैसे शंकर का पार्ट है उसमें ज्ञान चंद्रमा भी है और तीसरा नेत्र ज्ञान सूर्य भी है, तो सूर्य अपनी चमक मारेगा और चंद्रमा अपनी चमक मारेगा, चमक चमक का फर्क तो समझ में आएगा ना। तो ऐसे ही व्यक्तित्व जो है वो 4.5 लाख होंगे, पर्सनालिटी 4.5 लाख, बाबा प्रवेश होने वाली आत्माएं 4.5 लाख। बाबा 2037 तक इस सृष्टि पर 9 लाख आत्माएं जैसे टोटल जैसे जन्म लेकर तैयार हो जाएंगी? जन्म लेकर जैसे कृष्ण जैसे बच्चे जैसे जन्म तो लेंगे, जैसे कृष्ण का जन्म होगा तो अकेला तो नहीं होगा, जैसे वो कृष्ण शास्त्रों में गाया हुआ है और जो कृष्ण भक्तों की बुद्धि में बैठा हुआ है उसमें अंतर क्या है? संगम में कृष्ण की बात, शास्त्रों में जो कृष्ण गाया हुआ है वो ही भक्तों की बुद्धि में बैठा हुआ है, और बाबा जिस कृष्ण की बात करते हैं वो सतयुग की बात करते हैं क्या? सतयुग की कोई हिस्ट्री है? संगम युग की हिस्ट्री है शास्त्रों, तो जो भी शास्त्रों में हिस्ट्री है वो उस कृष्ण की है जिसके साथ कंसी जरासिंधी शिशुपाल विरोधी के रूप में खड़े हुए थे। सतयुग में तो जो कृष्ण पैदा होगा उसका कोई विरोधी होगा ही नहीं, न सतयुग त्रेता कहीं गायन है, मैं कोई न वहाँ का कोई गायन है न कोई हिस्ट्री है, लाखों वर्ष कह देते हैं। हाँ जी बाबा, तो ये रियल में जैसे चैतन्य में जैसे 2018 के आसपास श्री कृष्ण का जन्म होगा कि प्रत्यक्षता रूपी जन्म? कौन से कृष्ण का जन्म होगा? प्रत्यक्षता रूपी जन्म है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म संगम की कृष्ण होगा उसकी बात है। ठीक है ठीक है, ये बच्चे के रूप में जन्म होगा। फिर बाबा सतयुग जन्म कब लेगा फिर? अरे जब सतयुग होगा एक्यूरेट तो सतयुग में कृष्ण का जन्म होगा, है ही एक्यूरेट, जहाँ कलयुग है वहाँ सब सारी दुनिया में असुर बैठे हुए हैं कि देवताएं बैठे हुए हैं शरीर से? जैसे आप भी बताए जो शरीरधारी होंगे इस दुनिया में वो अपवित्र शरीर वाले होंगे या पवित्र शरीर वाले होंगे? पतित दुनिया में सब पतित होते हैं, पावन दुनिया में सब पावन होते हैं। तो ये 5 तत्वों वाली दुनिया जो है 2036 तक प्रकृति जो है तमो प्रधान अति अति तमो प्रधान बनती जाएगी या बीच में सतो प्रधान भी बनेगी? तमो प्रधान, ये शरीर सड़ते जाएंगे और तुम्हारी आत्मा पावरफुल होती जाएगी।
ब्रह्मा बाबा की आत्मा जन्म दे के रूप में फिर 36-37 के बाद आई दुनिया में। जन्म 36-37 ही होगा, आखिरी विनाश होगा, उस आखिरी विनाश होने के बाद ही तो जलमयी होगी। और जब जलमयी होगी तो पृथ्वी का वायुमंडल ठंडा भी होगा, मूसलाधार बरसात भी होगी। मूसलाधार बरसात होने से वायुमंडल ठंडा हो जाएगा, इतना ठंडा होगा कि बर्फ ही बर्फ चारों तरफ। उस बर्फ में कुछ विशेष आत्माएं होंगी जो शरीर से जिंदा रहेंगे। बाबा वो कहाँ रहे, जलमय हो जाएगी, कहीं जगह तो होगी जहाँ बर्फ तो होगी, बर्फ के ऊपर ही रहेंगे, ऊपर थोड़ा ही बर्फ के अंदर। तो सारे ही बर्फ के अंदर दब जाएंगे, बर्फ के अंदर होगा ना, बर्फ से बाहर भी आएंगे, नहीं तो शरीर सुरक्षित कैसे रहेंगे। इसमें बाबा सारी आत्माओं का होगा XYZ, जैसे जो बीज रूप आत्माएं जैसे बचेंगे तो कोई ऐसा 8-10 ऐसा भी हो जी जिनका बर्फ में न दबना पड़े, कुछ जैसे सूर्यवंशी हैं जो उनको न दबना पड़े का मतलब ये है कि तक्षण ऐसा रूप धारण करे पृथ्वी पर कहीं जहाँ वो उन 8 आत्माओं को 1 सेकंड के लिए परमधाम जाने की स्टेज हो और नीचे आते आते वो बर्फ हट जाए। जो बाबा जितना जो पावरफुल आत्मा जैसे होगा वो उतना जल्दी जैसे बर्फ से जैसे बाहर आ जाएगा, और जो कमजोर आत्मा होगा जितना कमजोर होगा उतना देर से बाहर आएगा। परमधाम का भी ऐसा ही नहीं, परमधाम से जो कमजोर आत्मा जो आत्माएं ज्यादा पावरफुल होंगी वो जल्दी नीचे उतरेंगी, और जो कमजोर आत्माएं होंगी वो बाद में नीचे आएंगे। धीरे धीरे फिर एक जगह इकट्ठे होते जाएंगे। 4.5 लाख आत्मा बाबा बर्फ के नीचे दबी, 4.5 लाख बर्फ के नीचे दबी, ठीक है, आत्माएं नहीं है शरीरधारी। बाबा तीर तो मारना था है, पर वो तीर लगता नहीं एडवांस में, क्या बात हो रही है। दुनिया के सारे दुनिया के जो सारे कार्य होते हैं वो किस आधार पर होते हैं, प्योरिटी के आधार पर होते हैं। प्योरिटी किस तरह बने, हम तो कोशिश कर प्योरिटी बने और तो और बने कति पवित्र बने ये सोचते रहे, और प्योर नहीं बने रहे। सोचने से होता है, हो जाता है या करने से होता है, कोई सोचता रहे तो सोचने से हो जाएगा, न सोचने से होगा, न मुंह से बोलने से होगा, करने से होगा। दिल पर हाथ रख करके देखना हम करते कितना है। प्रैक्टिस तो पूरी करे है, प्रैक्टिस करे है। राम रावण बन जाता है आंख में, तो ये पर प्रैक्टिस करने बजाया जाएगा या मन बुद्धि से क्या होगा। जब राम रावण बनेगा, कंस कृष्ण कंस बनेगा, तो ये पाठ प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल में बनेगा, नहीं तो गायन कैसे होगा। दुनिया की सबसे पावरफुल आत्माएं कौन है, राम और कृष्ण, तो वो सतो प्रधान भी बनती हैं और कलयुग के अंत में तमो प्रधान भी बनती हैं। तो सदो प्रधानता के जो कर्म करेंगे उनमें सबसे ऊंचा कर्म करने वाले कौन होंगे, राम और कृष्ण। और तमो प्रधान जब दुनिया बनेगी अति की 100%, तो उस समय 100% तमो प्रधान कर्म करने वाले भी कौन होंगे, राम और कृष्ण। दूसरा में ताकत ही नहीं है जो दुनिया का ध्वंस कर सके। बाबा याद शिव को करना है, शिव बाबा को याद करना है, अभी तक ये प्रश्न बना हुआ है। में क्या बोला है, एक को याद करना है, तो दो तुम्हें कहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। छह प्लस बाबा तो वो तो दो हो गए, दो हो गए, वो कहने के लिए दो हो गए या प्रैक्टिकल में दो है। प्रैक्टिकल में तो एक ही दिख रहा है, प्रैक्टिकल में जब एक है तो एक ही हुआ ना। दो आत्माओं को हम कैसे देखेंगे, कैसे पकड़ेंगे, कैसे अनुभव करेंगे। बाबा फिर आप मुरली में कभी बोलते हो कि ब्रह्मा बाबा देख रहे हैं, ये बीच में सुन लेते हैं
हाँ? और कभी बोलते हो कि मैं समझाता हूँ हाँ? मैं तुम बच्चों से मिल, और कभी शिव बाबा शब्द भी बोलते हो हाँ? तो फिर दो बाबा हैं, एक बड़ा बाबा एक छोटा बाबा, छोटा बाबा ब्रह्मा बाबा और बड़ा बाबा शिव बाबा। कभी तो मैं शब्द यूज करते हो और कभी शिव बाबा शब्द यूज करते हैं। हाँ? शिव बाबा जहाँ शब्द यूज करते हैं तो यूज करने वाला कोई दूसरा होगा, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा। हाँ? जैसे फिर बाबा ने बताया गया कि अभिज्ञानी मुरलियों की बातों को कभी नहीं क्रॉस करते हैं। अद्वैत वाणी मुरली के महावाक्यों को कभी क्रॉस नहीं करती। और अभी एक वार्तालाप में ये निकला कि जो चौथे बाबा प्रतिमा पाटिल के बारे में, प्रतिभा पाटिल के बारे में बताया कि उनको इतनी ऊंची कुर्सी मिली। हाँ? और जो बड़े बाबा बोलते हैं हाँ? मुरली में हाँ? तो समझा पटरा पाटन के लिए ब्रह्मा बाबा ने बढ़ाई की और कहा कि तुम तो आगे चल करके बहुत बड़ा संगठन संभालो, बहुत जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर आने वाली। तो उस समय जो कहने वाला है वो तो कह रहा है, जैसे कवि अपनी कविता करते हैं, लेकिन उन कविताओं का बेहद का अर्थ किसने बताया? सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आके बताता है। भी शास्त्रों में जो असली चीज है उसका अर्थ तो शिव बाबा बताता है, कविता करने वालों कविता कर दी, उनकी बुद्धि में बात नहीं आई। फिल्म बनाने वाले फिल्म बनाई देते हैं, फिल्मी गीत बनाई देते हैं और उनके सही अर्थ उनकी बुद्धि में नहीं बैठते, बाबा बताते तो क्लियर हो जाते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा ने तो बोला, लेकिन बेहद कई कोई प्रतिभा पाटिल भी होगी कि नहीं होगी, बस बाबा। हाँ, 20 नाखूनों का जोर लगाना माने क्या है? 20 नाखूनों का जोर लगाना माने क्या? हाथ के 10 नाखून और पांव के 10 नाखून, पूरी ताकत लगा दी। बाबा ये जैसे 5 तत्व जैसे पृथ्वी होगा जैसे जो है जैसे संगम पर ही जैसे दासी बने जैसे हाँ? तब तो ब्राह्मण प्रकृति जीत माया जीत हाँ? जैसे कहे जाएंगे तो माया को तो आज बता दिया ना, दादी प्रकृति जीत बन गई। बाबा दादी कहाँ प्रकृति जीत बन गई? प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेकर खड़ी है कि नहीं? खड़ी है। चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य है। चैतन्य है तो कौन हुए? दादी प्रकाश। नो ठीक है, एक है जमुना है और दूसरा प्रकृति प्रकृति है। पैगंबा बाबा एक जमुना है और दूसरा प्रकृति है। प्रकृति है नहीं, वो भी हाथों में झाड़ू लेकर खड़ी है। वो भी खड़ी है माने दो प्रकृति है, दो जैसे दोनों हाथों में झाड़ू लेकर खड़ी है। दोनों हाथों में झाड़ू लेकर खड़ी है, प्रकृति का रूप कौन हुआ? जगदम्बा। तो बताया, पहले भी कई बार बता चुके कि सूर्यवंशी सूर्यवंशियों में जाके मिलेंगे, सूर्य से जाके मिल जाएंगे, और चंद्रवंशी चंद्रमा से जाके मिल जाएंगे, इस्लाम वंशियों से जाके मिल जाएंगे, बौद्धियों से जाके मिल जाएंगे। अभी माया जो है जब पसारा फेंकेगी तो सूर्यवंशियों को कंट्रोल कर पाएगी या चंद्रवंशियों इस्लामी बौद्धियों क्रिश्चियंस को अनिश्चय बुद्धि बनाएगी? अभी तक जितना भी माया पार्ट बजाती रही उस माया के पार्ट में माया ने पूरी विजय प्राप्त की क्या? नहीं प्राप्त की। लेकिन माया के साथ जब प्रकृति मिल जाए क्या, माया और प्रकृति का गठबंधन हो जाए तो धड़ाधड़ विनाश चालू। तो बाबा थे प्रकाश में दादी जी जाकर के माया प्रकृति में जाकर प्रवेश करेंगी,
आज क्या बताया? दोनों के संस्कार एक हाथ मिला लिया, हाथ मिलाया, पति ने स्वागत कर लिया, आओ जो आई जान। बाबा तो आखिर में जाकर ब्राह्मणों को कहेगी क्या? कौन कोई किसी को जैसे तोड़ता है तो सबसे पहले उसके बुद्धि को तोड़ता है, ठीक है? तो वो माया जैसे आकर के माया में और प्रकृति में माया प्रवेश करेगी, माया में और प्रकृति में दोनों दोनों जो हैं पार्ट बजाने वाले रूप, उनमें जड़ा बुद्धि कौन है और तीक्ष्ण बुद्धि कौन है? प्रकृति जड़ बुद्धि है, दोनों ही जड़ माया माया तीक्ष्ण बुद्धि, माया तीक्ष्ण बुद्धि है और जगदम्बा जड़ बुद्धि है। इसका प्रूफ बाबा ने मुरली में दिया, मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते। तो जगदम्बा से ज्यादा साथ किसने निभाया होगा? कोई आत्मा नहीं। मिलन मेला मनाने में जगदम्बा से ज्यादा आगे कौन जा सकता है? कोई जा सकता है? नहीं, नहीं जा सकता। तो ज्यादा संग तो हो रही, फिर भी बाप को पहचानती नहीं, तो जड़ बुद्धि हो। ठीक, तो जड़ बुद्धि है माया वो जगदम्बा प्रकृति और तीक्ष्ण बुद्धि है माया, तीक्ष्ण बुद्धि है माया, दोनों का मेल हो गया। प्रकृति ने स्वागत कर लिया है? अब तो क्या होगा? बाबा ने बोला बड़ा भारी रिवोल्यूशन हो जाएगा। तो रिवोल्यूशन तो तब हो जाएगा जब एडवांस पार्टी में जो भी दूसरे दूसरे धर्म के बीज हैं वो बेसिक नॉलेज वालों से आधारभूत वालों से जाकर के मिलकर के एक हो जाएं। जैसे आर्य समाजी बीज रूप और बेसिक नॉलेज वालों में जो आर्य समाजी है उनका जब गठबंधन हो जाता है एडवांस पार्टी वाले सत्ताधीश और बेसिक नॉलेज वाले सत्ताधीश कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर के जब एक हो जाते हैं तो कुछ बारा न्यारा करके दिखाते हैं। बाबा 98 से पहले एडवांस पार्टी का 76 से लेकर के 98 तक एडवांस आधारभूत वालों ने कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। कुछ बिगाड़ा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। कब बिगाड़ा? जब एडवांस वाले जाकर के उनसे मिल गए, उन्होंने हाथ मिला लिया। बाबा इसके बाद से एक बार जैसे युद्ध होगा और युद्ध में वो लोग जैसे नाक जैसे झुकाएंगे, पैर जैसे सर झुकाएंगे, उसके बाद से जो सूक्ष्म में जो प्रकृति है, जो प्रकृति के जो पांच तत्व हैं, फिर वो सहयोगी बनेंगे, ठीक है? उस टाइम जैसे माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रियां जीत, उस टाइम से अभी तो माया को प्रकृति जीत बताया, माया ने प्रकृति के ऊपर जीत पहन ली, माया प्रकृति जीत बन गई। ठीक है, ठीक है। उल्टा कर्म करने के लिए सीधा कर्म करे, हाँ सीधा कर्म माया जीत बनते हैं, उल्टा कर्म करने के लिए कई बनते हैं सीधा कर्म करने के लिए। मुरलियों में काटिंग एडिंग बेसिक ज्ञान में मुरलियों का काटिंग एडिंग कई सालों से चल होता है। कटिंग और एडिशन तो शूटिंग होती है, तो यहाँ मुरलियों में से कटिंग नहीं होती है महावाक्यों की? होती है, है? होती है, होती है। वही शूटिंग होगी एडवांस पार्टी में भी जो भी क्लेरिफिकेशंस निकलते हैं, कैसेट्स आती हैं, तो कैसेट्स में क्या टूट फूट नहीं हुई है? कैसेट रिकॉर्डिंग करते समय हेड ऑफिस में जो भी रिकॉर्ड करने के निमित्त बने हुए हैं उनको दूसरी कैसेट लगा दी, गलत फुट्टा दबा दिया,
जहाँ दबाना था वहाँ नहीं दबाया, वो चीज उड़ जाएगी कि नहीं उड़ जाएगी? उड़ जाएगी। ये तो नहीं नहीं नहीं, ये जानबूझकर नहीं, जब उड़ गया तो उन्होंने उसमें दूसरा ऐड कर दिया, कहीं बाबा को पता कोई शिकायत न कर दे। बाबा कोई गलती से कोई काम करे और कोई जानबूझ के गलती करे, जानबूझ के गलती करे तभी तो शूटिंग होगा। जानबूझ के गलती की उसका ज्यादा सजा, लेकिन बगैर जाने अनजाने में गलती की फिर उसको छुपा लिया तो सजा नहीं है? हाँ तो भी सजा है, तो भी तो गलती है। बाबा कहते संगम युग पर ब्राह्मणों के ज्यादा से ज्यादा दो या तीन जन्म होती है, ठीक है? हाँ। और 84 जन्मों में हमारे इर्द गिर्द कितने लोग आते हैं संपर्क में? तो उनकी शूटिंग जहाँ कैसे होती है, क्या वो हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं? इर्द गिर्द नहीं होते हैं, संकल्पों में आते हैं, इर्द गिर्द न भी हो तो बाबा फिर हमें महसूसता क्यों नहीं होती? वो संकल्पों में आते नहीं है, देहधारी याद नहीं आते? नहीं, जो बीत गया समय वो हमारे को कैसे याद आएगा? जो बीता हुआ समय वही तो याद आता है, और क्या याद आता है? और क्या भविष्य के याद आएंगे? जो जिनके साथ अब हमारा संबंध ही नहीं है तो वो कैसे याद आते हैं हमारे को? बाबा ने कहा एक शिव बाबा को याद करना। अब अपने को देखें कि हमें एक शिव बाबा ही याद आता है या और देहधारी भी याद आते हैं? नहीं, और देहधारी बाबा जो इस समय हमारे जीवन में है। हाँ तो वो पूर्वजन्मों के हिसाब किताब उनका चला आया तभी तो है, नहीं समझा? फिर वो 84 जन्म हमारे साथ घूमते हैं? हाँ जरूर आए होंगे, तब तो मन के संकल्पों में आते हैं। संकल्प में आते हैं, स्वप्न में आते हैं, उनका हिसाब किताब है तभी तो आते हैं। सबके स्वप्न और संकल्प में वो ही क्यों नहीं आते, दूसरे क्यों आते हैं? हाँ हाँ, अपना अपना हिसाब किताब अलग अलग है। बाबा बामूलियम कहते हैं कि मैं इतना सर्विस करता हूँ तब मुझ पद पाता हूँ, इसका मतलब बामूलियम कहते हैं कि मैं इतना सर्विस करता हूँ तभी मुझ पद पाता हूँ? बाबा नहीं कहते अपने लिए कि मैं ऊंच पाता हूँ, बाबा कहते ही नहीं है ये बात कि मैं ऊंच पद पाता हूँ। बाबा कोई पद लेने के लिए आता है, जिसे हम बाबा कहते हैं, जिसे शिव बाबा कहते हैं वो ऊंच पद पाने के लिए आता है क्या? जैसे कहते हैं ना मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, हाँ मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। ये कौन कहते? मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, ये प्रजापिता, प्रजापिता वाली जो आत्मा है नहीं कहेगी जो जन्म देगा जन्म नहीं, ये बाबा उस टाइम में प्रजापिता वाली सोल तो हाजिर नहीं थी, जब राज वर्मा के मुख से ये वाणी चली उसको प्रवेश करके बोलते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। उस टाइम भी राम वाली आत्मा यज्ञ के आदमी थी ना, यज्ञ इसलिए बोला। तो बाबा किसके लागू होगा फिर? क्या तो बाकी झूठ बोल रहे हो, कहने वाला ये कहता ही नहीं कि मैं ऊंच पद पाता हूँ, कोई अपनी बड़ाई अपने आप करता है, अपनी बड़ाई अपने का आप करता है, वो घटिया किस्म का आदमी होता है या बढ़िया किस्म का होता है? बाबा तो ये जो प्रकृति और माया जाकर किसी ब्राह्मण से वो रियल में कहेंगे क्या कि उद्देश्य टूट जाएगा है? क्या बात कहेंगे, क्या सुनाएंगे कि ब्राह्मण टूट जाएगा? एक होता है ज्ञान और एक होता है अज्ञान, अज्ञान एक होता है ज्ञान, एक होती है ग्लानी। ग्लानी सुनाई अभी ब्रह्मा कुमारी क्या सुनाती है? अगर ग्लानी सुनाती है वो कोई पहले से ही तैयार हो जाए कि चाहे कितनी भी गलानी कर ले, कोई ग्रामर पहले से ही तैयार हो जाए, हो जाओ तैयार कुछ चैलेंज, चाहे कितनी भी गलानी कर ले। माया और प्रकृति दोनों चैलेंज देते हैं, हो जाओ तैयार। आप नहीं फिसलेंगे कुछ तो होंगे, पार्टी वाले कुछ नहीं कर पाए, ठंडे हो गए। उनके पास बाबा कुछ है ही नहीं है, माता ही ठंडी होगी। नहीं नहीं नहीं, पार्टी वाले आखिर कौन से धर्म से कनेक्टेड है जो निकले? एडवांस पार्टी नहीं, किस धर्म से कनेक्टेड है वो लोग? आर्य समाज, आर्य समाज से कनेक्टेड। तो आर्य समाज में कितनी दम है? गौरव कांग्रेस गवर्नमेंट में कोई दम है?
टोटली विदेशी ऊपर चल रहे हैं, विदेशी धर्म का विदेशी नीति ऊपर चल रही है। अपने सरकार को देख लो, उसी से तुलना किया है कौरवों को, जो अपने सरकार में दम है, जो जो सरकार चला रहा है उसमें कोई दम नहीं, तुम लोगों में कौन सा दम है? सारे कौरव है यहाँ, हरि समाज है सारे। तो वो तो लास्ट धर्म की आत्माएं ऊपर चल रही, वामपंथियों के साथ लास्ट धर्म की आत्माएं हुई, और जो ऊपर वाले हैं इस्लामी या चंद्रवंशी वो ज्यादा पावरफुल होंगे या लास्ट धर्म वाला ज्यादा पावरफुल होगा? वो ज्यादा पावरफुल हो गए। तो इस्लाम धर्म का हेड और चंद्रवंश का हेड वो दोनों हाथ मिला लेंगे और बुद्धि को सबका बरगलाना शुरू करेंगे, तो वो ज्यादा बरगलाएंगे कि वो क्या नाम लास्ट वाले बरगलाएंगे? बाबा ये जितने भी धर्मी हैं अंधेरे में काम करते हैं, और जो सूर्य है वो दिन में काम करता है, जहाँ सूर्य हो उनकी वो दिख, कईयों को दिख भी जाएगा, जो सूर्य में सूर्य उगता है तो जो चीज जैसा वैसे दिखाई देता है, जब चंद्रमा उगता है तो जो चीज है वैसा दिखाई नहीं देता, तो वो क्या गलानी करेंगे लोग? जो चीज प्रजापिता संगम पर करता है उसका हर एक चीज का भक्ति में यादगार बना पड़ा है। उनकी भी दिन तो गलानी है। सवाल ये है कि माया हो चाहे प्रकृति हो, वो अनिश्चय बुद्धि सूर्यवंशियों को बना सकेगी या इस्लामी बौद्ध चंद्रवंशी आदि होंगे उनको बनाएगी? उनको बनाएगी, बस सूर्यवंशियों को नहीं बनाएगी। बाबा एक प्रश्न और जैसे रह गया, जो बेहद के ड्रामा में जो कन्वर्ट होते हैं उसमें से जिनको बाबा ने स्वधर्मी कहा है तो ये बौद्ध ही कन्वर्ट होते हैं, इस्लामी चंद्रवंशी कन्वर्ट होते हैं, सूर्यवंशी तो कन्वर्ट नहीं होते हैं बेहद के ड्रामा में? चंद्रवंशी कन्वर्ट नहीं होते हैं, चंद्रवंशी प्रभावित हो जाते हैं और प्रभावित होने प्रजा हो जाती है। आज भारतवर्ष जो है वो भारतवर्ष के ज्यादातर लोग विदेशों से प्रभावित हैं या भारतीय सभ्यता से प्रभावित? विदेशों से प्रभावित हैं, विदेशी सभ्यता से प्रभावित हैं, तो विदेशियों का असर पड़ गया, उनकी प्रजा बने हुए हैं। बाबा सूर्यवंशी जो है सबसे ऊंचा धर्म है, है ये तो किसी के अधीन नहीं होंगे ना? वो भी नंबर वार है ना कि एक ही जैसे? सूर्यवंशी जो है वो सूर्यवंशी 100% सब है या नंबरवार है? नंबरवार, वो भी नंबरवार है तो है, लेकिन ये किसी के अधीन तो नहीं होंगे क्योंकि सब इनसे छोटे हैं। वो तो ठीक है, दूसरे धर्म वालों के अधीन नहीं होंगे, अपने धर्म में तो एक दूसरे से ऊपर नीचे होंगे लेकिन दूसरे धर्मों के अधीन तो नहीं होंगे। जैसे चंद्रवंशी है इस्लामी हो गए, प्रभावित हो गए तो उसी धर्म की हो गए। बाबा बीसीडी नंबर 683 में बाबा ने बोला है, बाप समझाते हैं और दादा समझाते हैं, और सबसे पहले मैं समझाता हूँ तभी तो उच्च पद पाता हूँ। सबसे पहले मैं समझाता हूँ, तो ये कहने वाला कौन हुआ जो सबसे पहले नहीं उच्च पद पाने वाला? शिव है या प्रजापिता है या ब्रह्मा है? प्रजापिता, प्रजापिता है। सबसे पहले उसने समझा तभी दूसरे को समझाया। हाँ जी, जैसे अलग को मिला अल्लाह, ये को मिले बादशाह, उस टाइम राम वाली आत्मा को ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो गया था कि मेरे मुसीबत पड़ने से। अच्छा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो दूसरे को पढ़ाई कैसे पढ़ाएगा? लेकिन इतने दिन टिका क्यों नहीं है? जब उनको अलग को मिले अल्लाह, दे को मिले बादशाह, बाबा को तो बादशाह का पता चल गया कि तू सतयुग में बादशाह मिले, और राम बाप को ये पता चल गया कि तेरे में शिव प्रवेश है। जब इतना कॉन्फिडेंस टिका क्यों नहीं? जैसे पहले पूरा ज्ञान था, ज्ञान ही नहीं था तो टिकेगा कौन? सारी चीजें फेल होने वाली। विश्वास कैसे हो? विश्वास कैसे हो? विश्वास होना एक अलग बात है और संपूर्ण ज्ञान होना एक अलग बात है। विश्वास थोड़े समय के लिए हो गया, संपूर्ण ज्ञान होगा तो सदाकाल के लिए ज्ञान विश्वास हो जाएगा। या तो पता चला होगा कि ये बात तो मैं तो पहले जानता नहीं था, यही होगा ना, मैं ये बात तो पहले नहीं जानता था, ये अब कोई शिव या
आज कहते हैं सबसे पुजारी भी नंबर वन का, तो राम बाप भी उस टाइम ज्यादा पुजारी थे भक्ति मार्ग में, है ना, जो पूज्य है वही पुजारी है। ब्रह्मा बाबा की तो आती है कि उन्होंने सत्संग किया, बारह गुरु किए, लेकिन राम बाप का तो कहीं वो नहीं है, तो राम बाप ने गुरु किए या फिर ज्यादा भक्ति की। जो सबको पढ़ाई पढ़ाने वाला है वो साकार में किससे पढ़ाई पढ़ेगा? साकार में उसे कोई पढ़ाई पढ़ाने वाला है ही नहीं, तो सबसे पुजारी ब्रह्मा बाबा हो रहे हैं, किसी से प्रभावित होने वाला भी नहीं होगा। उनके अंदर ये संस्कार पड़ा हुआ है संगम युग का, पूज्य से पुजारी है। सबसे ज्यादा पुजारी जब सोमनाथ का मंदिर बनाया गया तो बनाने वाले ने बनाया, हाँ, तो उस बनाने वाले ने जब राजाएं द्वापर युग से जो हुए हैं वो विकारी पतित राजाएं हुए हैं या पावन बुद्धि वाले राजाएं थे? विकारी राजाएं थे, तो उनको ये अकल देने वाला कोई होगा ना? जो अकल देने वाला था वही प्रजापिता था। भक्ति मार्ग में पंडित लोग पूर्वाचार्य स्वामी बृहस्पति को मानते हैं, पूर्वाचार्य स्वामी बृहस्पति को मानते हैं, पुखराज का स्वामी सरस्वती को मानते हैं, ये बृहस्पति को, बृहस्पति को, बृहस्पति पुखराज का स्वामी, बृहस्पति बृहस्पति का ये है, ये नग है, ये पुखराज ऐसे बोलते हैं ये भक्ति मार्ग में ये पंडित लोग। स्वामी हुआ और पुखराज क्या हुआ? रतन है ना, हुआ क्या? वो तो स्वामी हो गया। स्वामी किसके ऊपर होता है? दास के ऊपर होता है स्वामी, तो उसको उन्हीं का ही वो रतन मानते ना। हाँ, वो तो सभी का स्वामी हो गया ना, जो मुखिया है वो तो सभी का स्वामी हो गया, अकेले पुखराज का स्वामी है क्या? सभी के हैं, रतन तो उन्हीं का ही है। हाँ जी, हाँ जी, बाबा जी जो कहा तुम्हारे पुकारने पर मैं आता हूँ, तो ये कब पुकारा? जब पुकारा तब आया, कब? गांधी में आवाज हाँ, तो प्रस्तुति में कौन कौन सा रतन है? मुट्ठी में रतन जड़ते हैं, तो प्रस्तुति का रतन कौन सा? आजू बाजू वाले वाले कम कीमत वाले होते हैं, और बीच में हीरा होता है। तो ये भक्ति मार्ग में क्यों मानते हैं ये बृहस्पति के पुखराज? हाँ, क्यों मानते हैं? बृहस्पति को पुखराज स्वामी है तो क्यों मानते हैं? तो गलत क्या है? नहीं, सही तो है। स्वामी स्वामी नहीं, मतलब उसका नग मानते हैं उसका। हाँ, कहने बृहस्पति स्वामी है ना, जो स्वामी नहीं है। बृहस्पति कौन सा नग है? जैसे हीरा, ये हीरा ही है, स्वामित्व भाव वाला होगा वो, ऊंचा होगा, ज्यादा बजनी होगा, ज्यादा कीमती होगा या कम कीमत वाला होगा? तो पुखरा नीचे वाला है, वैल्यूबल मानते हैं ना ये पंडित लोग, वैल्यूबल मानते हैं ये पुखराज को। पुखराज नहीं वैल्यूबल माना जाता है, पुखराज की कोई कीमत नहीं होती है, ये लोग मानते हैं ना। वो सिर्फ है पुखराज, इसलिए रखा जाता है कि ताकि दूसरे नगों की कीमत आंकी जा सके। पुखराज के मुकाबले और दूसरे रतन है उनकी क्या कीमत है? ये बाबर राशि के आधार पर कुछ बनाते हैं भैया, तेरा पुखराज चाल लगेगा, तेरा नीलम लगेगा, जिस हिसाब से नाम होगा ना। हाँ, जिस धर्म का होगा वो ही तो लगेगा उसको। और दूसरे की बात मानेगा क्या वो? ठीक है, दूसरे की बात मानेगा ही, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, उसी की बात मानने वाला ही। बाबा बेहद के ड्रामा में भी जैसी टोना जादू वगैरह जो कुछ लगता है वो मुसलमानी धर्म की आत्माओं को लगता है, सूर्यवंशियों को नहीं लगता होगा? बेहद के जैसे ड्रामा में जो सूर्यवंशी हैं उनके ऊपर कोई जो टोना जादू करे तो उनको नहीं लगेगा, और जो वही टोना जादू जैसे मुसलमानी धर्म की आत्मा है उस पर लग जाएगा, क्या ये सत्य है? विश्वासम फलदायकम, जिसको विश्वास होता है उसके ऊपर असर करता है, इसको विश्वास ही नहीं उसके ऊपर असर नहीं करेगा।